कोयले की खान से भी निकलते हैं हीरे, भूलकर भी नहीं रखे पूर्वाग्रह दर्शन प्रभाजी मसा। ज्ञान को नष्ट कर देता अभिमान, कर्म सत्ता पर चलता केवल धर्मसत्ता का जोर। रूप रजत विहार में महासाध्वी इंदु प्रभाजी के सानिध्य में चातुर्मासिक प्रवचन। भीलवाड़ा 9 अगस्त। विचार और दिल एक दूसरे के पूरक है। विचार जितने निम्न स्तर के होंगे दिल भी उतना ही छोटा होता जाएगा। इसी तरह तरह दिल छोटा हुआ तो विचार भी संकीर्ण जाएंगे। हमारी संस्कृति सिखाती है विचार और दिल हमेशा बड़े रखने चाहिए। कभी भी ये पूर्वाग्रह नहीं रखना चाहिए कि निम्न वर्ग या स्तर का व्यक्ति अयोग्य ही होगा और उच्च कुल में जन्म लेने मात्र से व्यक्ति योग्य होगा। हमेशा याद रखना चाहिए कि कोयले की खान से ही हीरे निकलते हैं। ये विचार भीलवाड़ा के चंद्रशेखर आजाद नगर स्थित रूप रजत विहार में बुधवार को रुद्रमणि महासाध्वी श्री जैनमतीजी मसा की सुशिष्या महासाध्वी इंदु प्रभाजी मसा के सानिध्य में आयोजित चातुर्मासिक धर्म सभा में मधुर व्याख्यानी डॉक्टर दर्शन प्रभाजी मसा ने व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि कर्मफल से कोई नहीं बचा सकता है। कर्म काटने के लिए आपकी संपदा नहीं, धर्म ही काम आएगा। कर्म सत्ता पर केवल धर्म सत्ता का ही जोर चल सकता है। आजकल हालात ये है कि व्यक्ति को तन गोरा व कपड़े ब्रांडेड चाहिए, भले उसके विचार व व्यवहार ब्रांडेड नहीं हो। साध्वी श्री ने कहा कि तप व संयम कर्म क्षय करने का माध्यम है। ज्ञान का अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। अभिमान ज्ञान को नष्ट कर देता है, इसलिए ज्ञान के साथ विवेक को भी जोड़ना चाहिए। उन्होंने एकलव्य की द्रोणाचार्य के प्रति गुरु भक्ति प्रसंग की चर्चा करते हुए कहा कि जिसके जीवन में गुरु की बंदगी नहीं होती है उसका जीवन निर्मल नहीं हो सकता। आर्य संस्कृति तिरस्कार करने वाले का भी सम्मान करना सिखाती है। धर्मसभा में महासाध्वी इंदु प्रभाजी मसा ने क्रोध से बचने की नसीहत देते हुए कहा कि सब चीजों को नापा जा सकता है पर क्रोध को नापने की कोई मशीन आज तक नहीं बन पाई है। क्रोध में व्यक्ति गलत कदम उठा लेता है। उन्होंने जैन रामायण का वाचन करते हुए बताया कि किस तरह अंजना को उसकी सास के तुमति चरित्र पर लांछन लगाते हुए सताती है और ये मानने को तैयार ही नहीं होती है कि उसका पुत्र महल में आया था। धर्मसभा में आगम मर्मज्ञ डॉक्टर चेतनाश्री जी मसा, तत्वचिंतिका डॉक्टर समीक्षा प्रभाजी मसा, आदर्श सेवाभावी दीप्ति प्रभाजी मसा एवं तरुण तपस्वी साध्वी हिरल प्रभाजी मसा का भी सानिध्य रहा। समारोह में पाली, जोबनेर, चेन्नई, मारवाड़, सरवाड़ आदि स्थानों के साथ भीलवाड़ा शहर के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में पधारे श्रावक श्राविका मौजूद थे। अतिथियों का स्वागत श्री अरिहंत विकास समिति द्वारा किया गया। धर्मसभा का संचालन युवक मंडल के मंत्री गौरव तातिर ने किया। चातुर्मासिक नियमित प्रवचन प्रतिदिन सुबह 8:45 बजे से 10 बजे तक हो रहे हैं। प्रतिदिन सूर्योदय के समय प्रार्थना का आयोजन हो रहा है। प्रतिदिन दोपहर 2 से 3 बजे तक नवकार महामंत्र जाप हो रहा है। जैन दिवाकर चौथमलजी मसा से मिली प्रेरणा की 50 वर्ष से हो रही पालना। साध्वी दर्शन प्रभाजी मसा ने पर्युषण पर्व के दौरान पिछले 50 वर्ष से अधिक समय से पाली में 8 दिन बूछाने बंद रहने की परंपरा की चर्चा करते हुए कहा कि इसके लिए प्रेरणा पूज्य जैन दिवाकर चौथमलजी मसा से प्राप्त हुई थी। उनकी प्रेरणा पर पाली का जैन समाज आज भी अमल कर रहा है, चाहे कितना भी खर्च करना पड़े, लेकिन ये सुनिश्चित करता है कि 8 दिन कोई भी बूछखाना नहीं खुल पाए। उन्होंने कहा कि हर दृष्टि से सक्षम जैन समाज को जीव दया के लिए इससे प्रेरणा लेकर सभी जगह ऐसा हो इसका प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूज्य चौथमलजी मसा के साथ जैन समाज के विभिन्न संत साध्वियों ने भी पशु बलि बंद कराने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में प्रेरणादायी कार्य किए हैं। जाति नहीं कर्म से बनता व्यक्ति महान। साध्वी दर्शन प्रभाजी मसा ने हरिकेश मुनि के प्रसंग की चर्चा करते हुए कहा कि कोई भी कभी जाति से महान नहीं होता है। हमारा जन्म भले नीच कुल में हो पर विचार उच्च हो तो जीवन सार्थक हो जाएगा। इंसान जाति नहीं कर्म से महान बनता है, इसलिए सदैव अपने कर्म उच्च कोटि के होने चाहिए। यदि जैन कुल में जन्म लेकर भी पाप कार्य में जुटे रहते हैं तो जीवन सार्थक नहीं होगा। व्यक्ति से जाति के आधार पर नहीं कर्म के आधार पर भेद करना चाहिए। तपस्वियों के पारने की अनुमोदना। नवदीक्षिता तरुण तपस्वी साध्वी हिरल प्रभाजी मसा के प्रथम बार 9 उपवास की तपस्या एवं चातुर्मास आयोजक श्री अरिहंत विकास समिति के अध्यक्ष राजेंद्र शुक्लेचा के 28 तप की साधना पूर्ण होने पर बुधवार को पारने की अनुमोदना की गई। सभी ने सानंद पारना संपन्न होने और सुखद स्वास्थ्य की कामना की। दर्शन प्रभाजी मसा ने कहा कि तप आत्मशुद्धि के लिए किया जाता है। देवता भी तप साधना नहीं कर सकते हैं तो वह भी तपस्या की अनुमोदना करते हैं और तपस्वियों के लिए समोगश्रण का निर्माण करते हैं। हमारे जीवन में त्याग और तप की भावना सदा रहनी चाहिए। भूख से कम खाना भी बड़ी तपस्या समान है। उन्होंने बताया कि कई बच्चे 15 दिवसीय द्रव्य मर्यादा तप चंद्रकला तप कर रहे हैं जिसका बुधवार को 11वें दिन है और 15 से घटते हुए 5 द्रव्य की मर्यादा तक आ गए हैं।
इसी तरह लोगस का मासकमण भी कई श्राविकाएं कर रही हैं। सामूहिक आयंबिल आराधना 17 अगस्त को श्रवण संघीय आचार्य सम्राट आनंद ऋषि जी मसा की जयंती पर 17 अगस्त को देश में 108,000 आयंबिल तप आराधना में भीलवाड़ा के रूप रजत विहार से भी अधिकाधिक सहभागिता हो, इसके लिए साध्वी मंडल निरंतर प्रेरणा प्रदान कर रहा है। इस दिन हर घर से कम एक आयंबिल अवश्य हो, इसके लिए प्रेरणा प्रदान की जा रही है। सामूहिक आयंबिल की व्यवस्था श्री सिंह द्वारा की जाएगी। चातुर्मास में मृदुहर केसरी मिश्री मलजी मसा की 133वीं जयंती एवं लोकमान्य संत शेरे राजस्थान रूपचंद जी मसा की 96वीं जयंती के उपलक्ष्य में 24 से 26 अगस्त तक सामूहिक तिलक तप साधना होगी।